नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और देखिए, आज हम नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। चार पांच दिन के बाद क्लास स्टार्ट हुई है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, आज फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, नए चैप्टर रेशो एंड प्रिपरेशन अनुपात एंड समानुपात, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में बनने के चांस होते हैं। तो सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग। सोनू कुमार, मीना, सोनू कुमार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, प्रमोद कुमार, सलोनी शर्मा, दीपक अहिरवार, विष्णु कुमार, सभी को नमस्कार। और जितने मेरे फेसबुक पेज वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी फेसबुक पेज वाले मित्र हैं, सभी लोग आप लोग फटाफट एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। और देखिए दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी बच्चे फेसबुक पेज से एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर नहीं आए हैं, आप लोग चैनल पर आ जाइए। और बस आपको करना क्या है, आपको इतना सा काम करना है, एग्जाम फंडा चैनल को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, आपके स्टडी ग्रुप, आपके व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो कर सकती है। ठीक है, फटाफट से जुड़िए मेरे साथियों, सभी लोग जुड़ जाइए। और फिर हम आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज पहली क्लास है, जो बच्चे आज पहली बार पढ़ रहे हैं सबके समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक से हम लोग उठाने वाले हैं। ठीक है, हाँ भाई, कुमारी, रूपा, गुड इवनिंग। आप लोग देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, जितने बच्चे जुड़े हैं आप 1 घंटे मुझे तरीके से सुनना, तरीके से पढ़ना, आपके पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग जरूर जुड़िएगा। हाँ भाई, जय हिंद दोरे, जय हिंद, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार है। और देखो, हम टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, अनुपात एंड समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन, सबसे पहली बात करते हैं हम, अनुपात होता क्या है। ठीक है, रेशो, ठीक है, रेशो की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, रेशो है क्या, अनुपात है क्या। ठीक है, इधर देखें, अनुपात, तो देखिए अनुपात क्या होता है, दो या दो से अधिक राशियों के बीच तुलना होता है, कंपेरिजन होता है। ठीक है, टू या फिर टू से अधिक, ठीक है, मोर देन टू, ठीक है, दो या दो से अधिक राशियों के बीच तुलना करना होता है। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा, जो कंपैरिजन आप कर रहे हो नहीं, जो तुलना कर रहे हो, वो राशि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई राशि दूसरी है उससे आप किसी दूसरी राशि को तुलना कर देते हो, नहीं। ठीक है, अनुपात का सीधा सीधा मतलब जो होता है वो होता है तुलना करना। ठीक है, अनुपात का सीधा सीधा मतलब क्या होता है मेरे भाई, तुलना करना होता है। ठीक है, और अनुपात का जो सिंबल होता है, अनुपात का ये सिंबल होता है, रेशो का सिंबल क्या होता है, ये रेशो का सिंबल होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि भाई अनुपात का मतलब क्या है, आपको रटना नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि अनुपात का मतलब तुलना करना होता है, कंपेयर करना होता है। ठीक है, क्लियर। और तुलना हमेशा समान राशियों में की जाती है। ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, तुलना हमेशा समान राशियों के बीच की जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशो। ठीक है, अनुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशो, अनुपात के प्रकार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रेशो। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रेशो सबसे पहली बात करते हैं हम। ठीक है, व्रतकम अनुपात, ठीक है, व्रतकम अनुपात कह दो, या फिर प्रतिलोम कह सकते हो आप लोग, प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात, ठीक है, इनवर्स रेशो बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इनवर्स रेशो, इनवर्स रेशो। ठीक है, इनवर्स रेशो, ठीक है, प्रतिलोम मतलब इनवर्स। आप एग्जाम्पल से समझते चलिए, जैसे कि ये 2:3 है, ठीक है, 2:3, अब इसका इनवर्स करना, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, और ध्यान रखना मेरे भाई, अनुपात में ये आगे वाला होता है ना ये, ठीक है, ये तो अंश होता है, न्यूमरेटर होता है। ठीक है, अंश होता है न्यूमरेटर, और ये पीछे वाला क्या होता है, हर होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, और अंश अपॉन हर, ठीक है, क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है, क्या होता है, फ्रैक्शन, एप्लीकेशन पर भी, ठीक है, क्या होता है ये, फ्रैक्शन। ठीक है, आ रहा नहीं समझ, भिन्न होती है। ठीक है, अब इसको आप उल्टा करोगे तो ये कितना बनेगा मेरा भाई, 3:2 बनेगा, कितना बनेगा, 3:2 बनेगा, कितना बनेगा भाई, 3:2 बनेगा। यही क्या हुआ आपका, प्रतिलोम अनुपात बना। प्रतिलोम, आप देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिलोम मतलब इनवर्स, जस्ट उल्टा करना है। ठीक है, आपसे कभी भी प्रतिलोम पूछे आप बता सकते हो। ठीक है, तो अनुपात का पहला प्रकार क्या हुआ, प्रतिलोम अनुपात हो गया। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात, इनवर्स रेशो। ठीक है मेरा भाई, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड की यदि हम बात कीजिए करें तो सेकंड होता है आपका, दूसरा होता है वर्गानुपात, वर्गानुपात। ठीक है, स्क्वायर रेशो, ठीक है,
इसके नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर रेशो, ठीक है, स्क्वायर करना है मेरे भाई, क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए 2:3, इसका स्क्वायर रेशो निकालना है तो 2 का रेशो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो कितना बना 4:9, ये क्या हुआ आपका स्क्वायर रेशो बना, क्या बना स्क्वायर रेशो बना, ठीक है, वर्गानुपात बना, ठीक है। तीसरा होता है वर्ग मूलानुपात, ठीक है, वर्ग मूलानुपात, समझ में आया, वर्ग मूलानुपात मतलब स्क्वायर रूट रेशो, स्क्वायर रूट रेशो, वर्ग मूलानुपात स्क्वायर रूट रेशो, ठीक है। जैसे कि एक रेशो दिया है आपको 25:36, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है स्क्वायर रूट करना है, तो भाई इसका रूट करो 25 का, इधर 36 का रूट करो, तो इसका कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 6, तो ये क्या बना आपका स्क्वायर रूट रेशो बना, ठीक है, वर्ग मूलानुपात बना, क्या बना मेरे भाई वर्ग मूलानुपात, नाम से पता चल रहा है स्क्वायर रूट रेशो, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चौथा है अपना घनानुपात, घनानुपात, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में, घनानुपात, ठीक है, इसको क्यूब रूट, क्यूब रेशो, क्यूब रेशो क्या बनेगा ये क्यूब रेशो, ठीक है, घनानुपात, ठीक है, क्यूब रेशो, जैसे कि 1:3 है अपना 3:4, इसका क्यूब रेशो निकालना है, तो भाई 3 का क्यूब इधर 4 का क्यूब करो आप, ठीक है, तो 3 का कितना हुआ 27, 4 करेंगे तो 4 × 4 × 4 कितना होगा 64, तो ये आपका क्या बना स्क्वायर क्या बनेगा क्यूब रेशो बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा क्यूब रेशो बनेगा मेरा भाई, ठीक है, घनानुपात बनेगा, ठीक है। पांचवे की यदि हम बात करें घन मूलानुपात, ठीक है, घन मूलानुपात, घन मूलानुपात, ठीक है, मतलब क्यूब रूट रेशो, क्यूब रूट रेशो, ठीक है, घनानुपात। आपसे कोई नहीं, कई कई बार छोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, बल्कि आपको पता होना चाहिए, इसके नाम से पता चल रहा है घनानुपात, ठीक है। जैसे कि भाई आपको घन करना है 125:216, ठीक है, 216, इसके घनानुपात घन मूलानुपात निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट रेशो निकालना है, ठीक है, तो इसका घनमूल कर दो, ठीक है, इसका क्यूब रूट करेंगे, ठीक है, 125 का क्यूब रूट इधर 316 का क्यूब रूट करेंगे 216 का, तो इसका कितना हुआ 5 और इसका कितना बनना 6, तो ये क्या बना आपका क्यूब रूट रेशो, ठीक है, क्या बना क्यूब रूट रेशो। स्क्रीनशॉट लेते चलिए मेरा भाई, हाँ भाई हाँ भाई रंजना चौहान, कुमारी रूपा सर मेरे भी फर्स्ट क्लास है, आपके समझ में आएगा 100%, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप लोग पूरा सुनोगे मैं आपको पूरा बता दूंगा किस तरीके से क्या है, ठीक है, आगे समझ में क्लियर, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो अभी हमने 5 टाइप के पढ़े, सबसे पहला है प्रतिलोम अनुपात इनवर्स रेशो, ठीक है, सबसे पहली बात अनुपात होता क्या है, दो राशि, दो या दो से अधिक राशियों के बीच तुलना होता है, कंपेयर करना होता है, ठीक है, अनुपात के प्रकार प्रतिलोम अनुपात मतलब इनवर्स रेशो, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, इनवर्स मतलब उल्टा। दूसरा बताया वर्गानुपात, वर्गानुपात मतलब आपको वर्ग करना है, घन वर्ग मूलानुपात मतलब आपको वर्गमूल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने घनानुपात मतलब घन करना है, घन मूलानुपात मतलब घनमूल निकालना है, ठीक है। अब देखो कई कई बार एक छठवें टैप इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट होता है कई कई बार, मिश्र या फिर मिश्रानुपात, मिश्र या मिश्रानुपात, ठीक है, मिक्स, इसको मिक्स प्रोपोरेशन कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोरेशन कह दो या फिर मिक्स मिक्स रेशो, ठीक है, मिश्र या फिर मिश्रानुपात। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए 1:2:3, दूसरा है 3:4 और तीसरा है 4:5 के मिश्रानुपात याद करो, क्या निकालना है इसका मिश्रानुपात याद करें। कई कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, कई कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, 2:3, 3:4, 4:5 का मिश्रानुपात आपको याद करना है, ठीक है, इसका क्या याद करना है मिश्रानुपात याद करना है, ठीक है। ट्रेन, इसके बाद हम समय दूरी चाल ही स्टार्ट करने वाले हैं, पहले हम अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, फिर औसत पढ़ेंगे, फिर आयु पढ़ेंगे, साझा पढ़ेंगे, फिर ट्रेन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सुबह स्टार्ट करूंगा मैं समय दूरी चाल, सुबह भी क्लास लेता हूं मेरे भाई,
हाँ भाई ठीक है। अब इसका आपको मिश्रानुपात बताना है। क्या बताना है मेरे भाई? मिश्रानुपात। अभी अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था और बताया था कि आगे वाला अंश पीछे वाला हर, आगे वाला अंश पीछे वाला हर, आगे वाला अंश पीछे वाला हर, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मिश्रानुपात निकालोगे तो अंश अंश एक तरफ, हर हर एक तरफ, ठीक है। तो अंश इसका अंश कितना? दो। इसमें अंश कितना है? तीन। और इसमें अंश कितना है? चार। बटे हर देखोगे, इसका हर कितना है? तीन। इसमें हर कितना है? चार। इसमें हर कितना है? पांच। मतलब अंश को आपने ऊपर लिख लिया, हर को आपने नीचे लिख लिया, ठीक है। काट दो, जो बच रहा है वही आपका आंसर। तो देखो, चार से चार कट गया, तीन से तीन कट गया, कितना बचा? दो बटा पांच, या फिर 2:5। यही आपका क्या बना मेरा भाई? आंसर बन गया। ये मिश्रानुपात बना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी मिश्रानुपात ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। कभी भी मिश्रानुपात निकालना है तो अंश अंश ऊपर, न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे, और आप सॉल्व करोगे, जो बचेगा वो आपका आंसर बनेगा, ठीक है मेरे भाई? क्लियर है? तो ये अनुपात के प्रकार, ठीक है। सिंपल सी बात, बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं मैं आपको। कोई भी आपसे अनुपात की बात करे तो अनुपात क्या होता है? दो या दो से अधिक राशियों के बीच कंपेयर होता है, तुलना करना होता है। अनुपात के प्रकार आपको दिमाग में रखना है, तो प्रतिलोम अनुपात, इनवर्स, मतलब आपको उल्टा करना है। दूसरा आपको पूछे कि भाई वर्गानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, सब आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। सर आप कब कब पढ़ाते हैं? मैं बता देता हूं आपको मैं कब कब पढ़ाता हूं। तो देखिए, मेरी मॉर्निंग में क्लास लिख लो आप, और नया चैप्टर स्टार्ट किया टाइम एंड वर्क, मॉर्निंग में टाइम लिख लीजिए 11 AM मॉर्निंग का टाइम लिख लीजिए, और इवनिंग में 6 PM ये मेरा टाइम लिख लीजिए। रेगुलर पढ़ा रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। दोनों जगह अलग अलग चैप्टर हैं आपके, बहुत अच्छे से जल्दी कोर्स हो जाएगा, पूरा पढ़ा दूंगा तरीके से, ठीक है ओके। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, ये अनुपात के बारे में आगे समझ में। अब देखो, जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक प्रश्न आएगा, ध्यान रखना आप, यदि आधा घंटा मुझे सुन लोगे तरीके से, एक प्रश्न एक नंबर आपको दे जाऊंगा मैं, ध्यान रखना एक नंबर का मामला है, ठीक है। जरूर देखिएगा, एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न हमेशा आता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता, और आप लोग देखेंगे किस तरीके से फटाफट आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। देखो, प्रश्न बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई प्रश्न बनाएगा, पर सेकेंडों में जो प्रश्न बनाएगा वही सबसे जल्दी मतलब आंसर दे सकता है, ठीक है। और ये फेसबुक पेज वाले आप लोग एग्जाम पंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। तो देखिए, जैसे कि आज नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जैसे कि एक अनुपात ए अनुपात बी दे रखा है आपको, एक दूसरा बी अनुपात सी दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड आउट करो, आप क्या पूछेगा? ए अनुपात बी अनुपात सी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक तो आप ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी, आप इनको गुना करो, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, मतलब ए गुना बी अनुपात बी गुना बी, फिर अनुपात बी गुना सी, ठीक है। तो यहां से ए बी सी आ जाएगा, एक तरीका तो ये है। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, एग्जांपल लेते हैं और इसको अपन दोनों तीनों तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, एग्जांपल आपके सामने है, ए अनुपात बी है 3:5, ठीक है, और बी अनुपात सी है यहां पर 4:7, ठीक है। तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप देखिए, यहां पर आपको ऑप्शन भी देगा, ऑप्शन ए है 6:9:14, 6:9:14, ठीक है। ऑप्शन बी है यहां पर 3:5:7, 3:5:7, ठीक है। ऑप्शन सी है यहां पर 12:20:21, ठीक है, और ऑप्शन डी है यहां पर 12:20:35, ठीक है। अब आप देखिए, ये प्रश्न एग्जाम में आया, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे बिल्कुल। ये प्रश्न जब एग्जाम में आया तो स्टूडेंट क्या है, इसको सॉल्व करने बैठेंगे, बिल्कुल सॉल्व करना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप देखिए, इस प्रश्न में भाई ऑप्शन तो देगा ही, ये तो आप भी जानते हो, ऑप्शन तो देगा हर एक प्रश्न में, ऑप्शन तो देगा ही देगा, ये तो आप जानते हो, ऑप्शन जरूर देगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑप्शन होंगे। अब आप ये देखिए, क्या पता ये प्रश्न ऑप्शन से बन रहा है, सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी आपको, ठीक है भाई, ये आपको सोचने के ऊपर है, ठीक है। तो पहला तरीका तो आप ऑप्शन ही देख लो, ठीक है, ठीक है, आप ऑप्शन से ही कर सकते हो इस ऐसे प्रश्नों को। हेलो, बाद में बात करूं, क्लास ले लो।
ठीक है। हाँ भाई देखेंगे ऑप्शन से आप कर सकते हो सीधा, जैसे कि ए अनुपात बी 3:4 है, ठीक 3:5, क्या ऑप्शन ए में 3:5 आ रहा है क्या? देखिए आप, क्या ऑप्शन ए में 3:5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी में हाँ 3:5 आ रहा है, ऑप्शन सी में देखिए क्या 3:5 आ रहा है क्या, आप 4 से काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, हाँ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन कटा। फिर बी अनुपात सी देखो 4:5 = 7, क्या ऑप्शन बी में 4:5 = 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कट गया, इसमें आ रहा है क्या 4:5 = 7, आप यदि 5 से काटते हो ठीक है, तो देखो 5 × 4:5 = 7, ठीक है 5 × 20 और यहां पर काटते हो आप, ठीक है ये भी नहीं कटेगा, ठीक है 3 से कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है यहां पर देखिए आप काटोगे, बचा क्या ऑप्शन डी, तो ये आपका आंसर बन गया, देख लो आप ये आपका क्या बना, आंसर बन गया। अब आप इसको सॉल्व करना चाहो, तरीका लगाना चाहो, तो वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। पर पहला काम आपको ऑप्शन चेक करना है, यदि ऑप्शन से नहीं बन रहा फिर आप देखोगे कि भाई ऑप्शन नहीं बैठ रहा, ठीक है फिर आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलो मैं सॉल्व करना भी आपको सिखा देता हूं, ठीक है देख लो आप, सॉल्व करना भी मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है मेरे भाई क्लियर? अरे हाँ ना बोलिए, पहला काम ऑप्शन चेक करना, ठीक है हाँ भाई ओके चलो आ जाइए। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए आप ठीक है सॉल्व करना सीखे, ठीक है जैसे कि आपको ए अनुपात भी दे रखा है, ठीक है कितना 3:5 दे रखा है, ठीक है और बी अनुपात सी कितना दे रखा है 4:7 दे रखा है, बी अनुपात सी कितना दे रखा है 4:7, ये यानी प्रश्न आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ठीक है अब ए अनुपात बी कितना है 3:5, बी अनुपात सी कितना है 4:7। अब देखो तरीके तो अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी तरीके हो सकते हैं, पहले इनको गुना करो फिर इसको करो फिर इसको करो फिर सॉल्व करोगे फिर आंसर आएगा। तो देखो 3 × 4 मतलब कितना हो गया 12, ठीक है 4 × 5 कितना हो गया 20, 7 × 5 कितना हो गया 35, तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है पर देखिए आप इस तरीके से मत करो, ठीक है क्योंकि इस तरीके से करोगे ना आप, ठीक है तो उसमें दिक्कत ये आएगी, ठीक है कि अभी तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी है, अभी कुछ देर बाद में ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई लूंगा, तब जाके आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। आप ये देखिए इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बी कॉमन है, आप ये वाला तरीका यूज कीजिए, ठीक है सेकेंड तरीका थोड़ा सा हटिए, ठीक है थोड़ा सा अलग चलिए। आप ये देखिए इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, बी कॉमन है, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बी कॉमन दिख रहा है, आप बी को बराबर कर लो, तो बी कॉमन है तो बी को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना करो, इसको 5 से गुना करो, बराबर हो गए 20-20 देख लो, पर इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करेंगे कि नहीं भाई, आपने हर को गुना कर दिया तो अंश को भी गुना करना पड़ेगा, अनुपात तो कंपेयर कर रहे हो तो भाई तुलना तो समान होनी चाहिए, इसको जब आपने 4 से किया तो इसको भी 4 से करो, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करो, ये लो ये कितना बना 12, ये कितना बना 20 और ये कितना बना 35, ये आपका आंसर बन गया, कुछ नहीं करना आपको, समझ में आ गया। पर पहला काम आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है मेरे भाई, क्या करना है ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, और करने का भरपूर प्रयास कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन के सामने आ गया क्वेश्चन, ये लीजिए क्वेश्चन सेकंड, ये लीजिए ए अनुपात भी दे रखा है आपको, ठीक है 5:7 और बी अनुपात सी है 6:7, ठीक है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी आपको फाइंड आउट करना है, ऑप्शन ए लिखिए 30:42:49, ऑप्शन बी है 35:49:42, ऑप्शन सी है 42:35:49, ऑप्शन डी है 55:77:66। फटाफट देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं, फटाफट आंसर आएगा भैया, सेकंडों में आंसर आएगा तब तो आप समझिए सही ट्रैक पे चल रहे हो, और यदि सेकंडों में आंसर नहीं आ रहा नहीं मेरे भाई, तब तो आपको हमसे जुड़ना ही पड़ेगा। और जितने बच्चे अभी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है तो चैनल है हमारा एग्जाम फंडा EXAM, एग्जाम FANDA, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक करो मेरे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ भाई वेरी गुड, देखो ये आंसर आ गए, प्रमोद कुमार का आंसर आया है,
सबसे पहले, ठीक है, विकास का आंसर आ चुका है, सतेंद्र इनका आंसर आ चुका है, कुमारी रूपा इनका आंसर आ चुका है, शिवा का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, प्रमोद कुमार सीआरपीएफ इनका आंसर आ चुका है, राजेंद्र, अरे यार देखो ये आंसर आ रहे भाई सेकंडों में, आप खुद सोच सकते हो, आपने आज तक नहीं देखे होंगे सेकंडों में इस तरीके से आंसर अब आपके आ रहे हैं, ठीक है, क्यों भाई, आपको मालूम है जब आपके सामने ऑप्शन है फिर हम क्यों सॉल्व करने बैठे, ऑप्शन से करो नहीं फटाफट भाई, आपने एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो और ऑप्शन से आपने 5-6 क्वेश्चन भी आपने ऑप्शन से कर दिए फटाफट सेकंडों में, तो आप और लोगों से कितना आगे निकल गए सोचो आप, ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, पर उससे पहले आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, चलो देखो हम बात करते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप, ए अनुपात भी 5:7, क्या इसमें बन रहा है क्या 5:7, ठीक है, देखो सॉल्व तो करना पड़ेगा मेरा भाई, ठीक है, 5:7 आप यदि इसको काटते हो किससे, 6 से काटते हो, तो देखो यहां पर 6×5=30, ठीक है, ये 5 और ये कितना बन रहा है 7, हाँ बन रहा है 7×6=42, इसमें बन रहा है क्या 7 से काटो आप, 7×5=35, 7×7=49, ये भी बन रहा है, अच्छा इसमें बन रहा है क्या आप, इसमें नहीं बन रहा, इसमें तो ये 7:5 बन रहा है, सॉरी आप 6:5 बन रहा है, क्या बन रहा है 6:5, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, इसमें देखिए ये 5:7 ये भी बन रहा है, ठीक है, ये भी 5:7 बन रहा है, ठीक है, एक ऑप्शन कटा है, 3 ऑप्शन तब बन रहे हैं, फिर देखो बी 6:7 बन रहा है क्या, ये 6:7 बन रहा है क्या, ठीक है, इसको सॉल्व करो आप, ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 से 7 से काटिए, 7×6=42, 7×7=49, यही आंसर हो गया आपका देखा जाए तो, ये लो भाई यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये 7:6 बनेगा, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या बनेगा, ये तो है नहीं है, ये क्या बनेगा 7:6 बनेगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बना, विद इन सेकंडों में आंसर आ गया, और आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आपका स्वागत है, आप सॉल्व भी करो, सॉल्व करके भी आना चाहिए, आप पे पैटर्न भी आना चाहिए, ठीक है, पर तरीका भी वही आना चाहिए जो आप सेकंडों में आंसर, भाई आपसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा है, क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा है, ए अनुपात बी कितना है मेरे भाई 5:7, बी अनुपात सी कितना है 6:7, अब आपको मालूम है बी कॉमन है, कॉमन क्या है इनमें, बी कॉमन है, तो बी को इक्वल करेंगे, बी को क्या करेंगे मेरे भाई, इक्वल करेंगे, बी को इक्वल करोगे ना आप, बी को इक्वल करोगे तो इसको किससे गुना 6 से गुना, और इसको 7 से, इसको 6 से, तो इसको भी 6 से और इसको भी 7 से, सॉरी ठीक है, तो ये कितना हुआ 5×6=30, 7×6=42, 7×7=49, ये आपका आंसर, ये लो 30×42=49, ये आपके आंसर बने, सेकंडों में आंसर आ रहे हैं यार, और क्या चाहिए आपको, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों का आंसर सेकंडों में निकाल सकते हो, ठीक है, एक आंसर और दोगे, एक क्वेश्चन और पक्का सेकंडों में, वादा कर रहे हो, ओके तो निभाना पड़ेगा, ठीक है, सेकंडों में आंसर आना चाहिए, चलो ये लो, और ये ध्यान रखना वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो ऑलरेडी आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, एसएससी में पूछे हुए वही क्वेश्चन करा रहा हूं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, चलो हाँ भाई ए अनुपात भी है, आपको पहले क्या ऑप्शन पहले लिख देता हूं मैं, ठीक है, आपके बहुत जल्दी आंसर दे जाते हो यार, ठीक है, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं तो इसलिए ऑप्शन में देता हूं सबको, ठीक है, ऑप्शन पहले दे रहा हूं, ये लो, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नोटा नन ऑफ दीज, इसका मतलब समझते हो नहीं आप, इनमें से कोई नहीं, क्या है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, अब ए अनुपात बी है मेरे भाई 3:4, ठीक है, और बी अनुपात सी है, बी अनुपात सी दे दूं, बी अनुपात सी है 2:3, ठीक है, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है फटाफट, सेकंडों में आंसर आना चाहिए, किसमें आना चाहिए, सेकंडों में आंसर आना चाहिए मेरे भाई, सेकंडों में आना चाहिए, सर मैं खाना भी बना रही हूँ और आपकी क्लास भी, देखो ये बात पढ़ने वाले ये होते हैं भैया, देख लो आप, खाना भी बना रही है बेचारी और पढ़ भी रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, तभी तो नारी शक्ति को भैया प्रणाम किया जाता है, हाँ भैया एग्जाम फंडा है चैनल पता है नहीं आपको, बस इसको ना भूलिएगा, और आंसर अब मैं देख रहा हूं किस किस के आंसर आ गए, वेरी गुड, हाँ भाई पूजा कुमारी, सुनील कुमार, वेरी गुड, गणेश मीना, सीआरपीएफ, जय हिंद, इनका नाम ही जय हिंद, इन्होंने डोरे क्या रख रखा है, हाँ भाई सत्येंद्र, प्रमोद कुमार, विष्णु कुमार,
विकास और लोग आंसर दीजिए भैया फेसबुक पेज वालों, आपको आपके आंसर यदि मुझे दिखाने हैं ना कि सर आप हमारे आंसर पढ़ो, आपके हमारे नाम ले सको, तो आप कहां पर आ जाओ, एग्जाम फंडा पर उठ के आ जाओ, आप फटाफट से आ जाओ ताकि मैं आपके नाम लूं और आपको लगे कि यार हम भी इन के साथ जुड़े हैं। तो ये जितने भी फेसबुक पेज वाले ने, एक बार नाम ले लेता हूं, राजपूत देवेंद्र सिंह, इंडियन इंदल, पाल, अनिल, प्रवीण, कश्यप, राजेंद्र, ठीक है। तो ये जितने भी फेसबुक वाले आप लोग एग्जाम पंडा पर आ जाइए। सर मैं गणेश आपका स्टूडेंट, प्लेट डाउन हो गई है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, बढ़िया हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन में पढ़ते हो आप, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो बिल्कुल मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, आप तबीयत सही कीजिए अपनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगे रहिए, ठीक है। घर पर रह के ऑनलाइन भी पढ़ो, आप लोग क्लास नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ो आप, ठीक है। हाँ भाई वेरी गुड, इधर फेसबुक पेज वालों आप एग्जाम फंडा पर आ जाओ, ठीक है, ताकि मैं आपकी बात सुन सकूं। चलो देखो लोगों के आंसर आ गए यार, कुछ लोग देखते रह जाएंगे और लोग आंसर भी देंगे। भाई ए अनुपात बी है, 3:4, ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन बी में नहीं आ रहा, ऑप्शन सी में आ रहा है। अब भैया ऑप नोटा मतलब आपको कंफर्म करना पड़ेगा आंसर, अब आपको कंफर्म करना पड़ेगा, फिर आप देखिए बी अनुपात सी 2:3 किस में आ रहा है, एक इसी में आ रहा है 2:3, तो यही आपका आंसर हुआ। इसमें तो 3:1 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और फिर भी आप चाहो कि नहीं सर हम तो बिल्कुल निकालना आना चाहिए, हम पे तो बनना आना चाहिए, बना दो, नहीं कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है आपको, तो ए अनुपात बी कितना है मेरे भाई, 3:4, बी अनुपात सी कितना है, 2:3। अब आपको बी कॉमन है, बी को बराबर करना है, क्या करना है, बी को बराबर करना है, करो ना आप बी को बराबर करेंगे तो इसको 2 से गुणा कर दो बराबर, इसको भी 2 से कर दो खत्म, ये कितना 3, ये कितना 4 और ये कितना 6, जय हिंद जय भारत। ये लो क्या किया हमने, सेकंडों में आंसर दिया और क्या किया। हाँ भाई क्लियर है मेरे भाई। अब देखो सीजीएल 2017 में एक क्वेश्चन आया था, और क्या क्वेश्चन है देखिए आप, हाँ भाई लिख लिया आपने पक्का, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए, ठीक है। अब देखो सीजीएल 2017 में एक क्वेश्चन था और आप लोग सेकंडों में आंसर दोगे, उसका गारंटी है, क्लियर है नहीं पक्का, देखिए आप, हाँ भाई ये और लिख भी लीजिए, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, लिखो चाहे मतलब ये लो 2017 में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई क्वेश्चन है 3A बराबर 2B बराबर 4C, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको बताना है, क्या बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको बताना है। ऑप्शन ए है 3:2:4, ऑप्शन बी है 6:4:3, ऑप्शन सी है 4:6:3 और ऑप्शन डी है 2:3:4। विद इन सेकेंडों में आंसर बता दो भाई आप, हाँ भाई फटाफट आंसर बता दो मेरे भाई, हाँ भाई आंसर तो आना चाहिए आपको, बता सकते हो आप लोग फटाफट से, ठीक है। और क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, ठीक है, पहले ऑप्शन लिख लेता हूं क्वेश्चन से पहले, हैं पहले ऑप्शन लिख लेता हूं 2:5:4:3, ठीक है, हाँ भाई 6:4:3, ऑप्शन सी है 5:2:10 और ऑप्शन डी है 9, नन ऑफ दीज, ठीक है। और क्वेश्चन है 2A = 3B = 4C, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड आउट करना है। हाँ भाई दो प्रश्न आपके सामने हैं, ठीक है, अरे देखिए आंसर दीजिए भाई, पूजा कुमारी का आंसर आया है, विकास कुमार का आंसर आया है, प्रमोद कुमार का आंसर आया है, चलो ठीक है। इधर भैया ये फेसबुक पेज वाले RL वोरा जी, रवि, ठीक है, प्रदीप, जितने बच्चे हैं आप लोग आंसर दीजिए फटाफट से। इधर आंसर आ रहे हैं सी ऑप्शन बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन का, इसका आंसर बोलिए भाई, दो क्वेश्चन आपके सामने, दोनों के आंसर बोलिए फटाफट, एक मिनट का समय आपके पास। हाँ भाई पूजा कुमारी 6:4:3 बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन बोल रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिए, मैं कुछ लोगों कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। हाँ भाई बीनू कुना कमेंट, हाँ भाई फटाफट से आंसर दीजिए, इधर फेसबुक पेज वाले सभी बच्चे आंसर दीजिए भाई, इसका सी आ रहा है, इसका बी आ रहा है,
ठीक है, ओके, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। अब देखिए कुछ बच्चे क्या घबरा गए, और ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ए अनुपात यहां पर देखिए आपको एबीसी निकालना है, ठीक है, 3a बराबर 2b बराबर 4c, तो a की जगह b का मान और b की जगह a का मान, तो a अनुपात b कितना हुआ यहां पर, a अनुपात b हुआ 2:3 हुआ, ठीक है। क्या ऑप्शन ए में बन रहा है 2:3? नहीं बन रहा, काटो। इसमें बन रहा है 2:3? ठीक है, इसमें भी नहीं बन रहा, 3:2 बन रहा है। इसमें बन रहा है 2:3? हाँ, इसमें बन रहा है भाई, इसमें भी बन रहा है, मतलब ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में बन रहा है भाई। दो से काट लो नहीं आप, 2×4 3×6 2:3 बन रहा है, तो दो ऑप्शन हो गए। फिर आप देखिए बी अनुपात सी, तो यहां पर बी की जगह सी का मान, सी की जगह बी का मान, ठीक है, तो बी अनुपात सी देखोगे आप तो कितना बना, 4:2 या फिर 2:1 बना, कितना बना, 2:1। तो आप देखिए क्या इसमें बन रहा है 2:1? हाँ, इसमें बन रहा है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। इसमें तो बन ही नहीं रहा, तो आपका आंसर हो गया सी हो गया। और आप चाहो कि नहीं सर हम तो सॉल्व करेंगे, तो कोई बात नहीं बेटा, सॉल्व कर लो आप। ये लो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी कितना है 2:3, बी अनुपात सी कितना है 2:1, ठीक है, बराबर करेंगे तो आप इसको गुना कर लो, बराबर करेंगे इसको 2 से गुना, इसको 3 से गुना, इसको 3 से, तो इसको भी 3 से, इसको 2 से, तो इसको भी 2 से, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 6, और ये कितना हुआ 3, ये आपका आंसर। सॉल्व कर लो, सेकंडों में आंसर आ गया, क्लियर है, क्लियर है भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब ये सीजीएल में आएगा, आप फटाफट उड़ा दोगे, सेकंडों में उड़ा दोगे, आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन आपको मालूम है, और ऑप्शन भी मान के चलो ऑप्शन से भी नहीं बैठ रहा तो हमने तरीका ऐसे सिखा दिया कि आप सेकंडों में लगा के निकाल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा मत करना कि ऑप्शन भी है फिर भी आप तरीका लगा के चेक कर रहे हो, फिर मतलब नहीं हुआ ऑप्शन चेक करने का, ठीक है, आपको मालूम है ऑप्शन से आपका आंसर मिल गया तो आप छोड़िए, तरीके करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऑप्शन से यदि दिक्कत आ रही है तो फिर आप तरीके पे आइए अपना, ठीक है। हाँ भाई, यहां पर देखिए ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी कितना हुआ 2:1, कितना हुआ 3:2, क्या इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा, 3:2 इसमें बन रहा है, हाँ इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो एक ऑप्शन बी में बन रहा है, ठीक है, चलो अभी चेक करते हैं। पर ये ध्यान रखना, अब यहां पर आप कंफर्म नहीं कह सकते अभी, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये नोटा लगा हुआ है, ये ऑप्शन बड़ा खतरनाक होता है इनमें से कोई नहीं, और ये ऑप्शन जब आ गया नहीं तब आपको कंफर्म आंसर देना पड़ेगा, तभी आपका माना जाएगा मेरे भाई, कंफर्म होगा तभी आपका माना जाएगा। फिर आप देखिए बी अनुपात सी कितना है 4:3, कितना है 4:3, हाँ यही बन रहा है, तो ये आपका आंसर हुआ, ये लो फटाफट। और आप इसको सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर दो आप, सेकंडों में आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, शायद समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है भाई लोगों, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है मेरे भाई, क्लियर पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी देखो, ये भी एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, क्या है देखो, अभी आप तोड़ दोगे इस प्रश्न को, मुझे पूरा यकीन है आप सेकंडों में आंसर दोगे। देखो क्या है प्रश्न, प्रश्न है 3:5p बराबर 7/2q बराबर 7/5r, ये क्वेश्चन है, और आपको P अनुपात Q अनुपात R बताना है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन क्या है 3:2:5, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 3:35:14, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है 5:7:5, ठीक है, और ऑप्शन डी है 35:6:15, ये लो और आप आंसर बता दीजिए, फटाफट बताइए तो ठीक रहेगा। हाँ भाई, फटाफट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये लो क्वेश्चन नंबर दूसरा, दोनों प्रश्नों के आंसर आप लोग बताइए। ए बराबर बी बाई 3 तथा, ठीक है, बी बराबर सी बाई 2, तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी आपको बताना है, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए है 1:3:6, ऑप्शन बी है 2:3:6, ऑप्शन सी है 3:1:2, और ऑप्शन डी है 3:2:6। हाँ भाई, दोनों प्रश्नों का आंसर दे दीजिए आप फटाफट से, सेकंडों में आंसर आना चाहिए मेरा भाई। हाँ भाई, सेकंडों में आंसर आना चाहिए, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आए दोबारा बता देंगे। हाँ भाई,
देखो कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, ये सबसे पहले आंसर जो आया है ये आया है सतेंद्र का आंसर आया है डी, बी बोल रहे हैं, ठीक है। पूजा का भी आंसर आ गया है क्या बोल रहे हैं ये 35/15 मतलब ऑप्शन नंबर डी। विकास भी डी बोल रहे हैं, पूजा कुमारी डी बोल रहे हैं, गणेश मीना डी बोल रहे हैं, सुनील कुमार डी बोल रहे हैं, विष्णु कुमार बी बोल रहे हैं, पूजा कुमारी 1:3:6 मतलब ऑप्शन अच्छा सेकंड प्रश्न का, देवी को कुमारी डी बोल रही हैं। बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। ये मेरे भाइयों फेसबुक पेज वालों आप लोगों के मैं, क्योंकि भाई यूट्यूब पर ही इतने कमेंटों की लड़ी लग जाती है कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एग्जाम फंडा पर आ जाओ यार, क्या प्रॉब्लम है, इतना सा तो आप कर सकते हो भाई। मैं संदीप त्यागी जी, मैं जयपुर से राजस्थान से लाइव ले रहा हूँ, ठीक है। रुशान कुमार, हाँ भाई, राकेश कुमार, प्रदीप भारती, प्रवीण कश्यप, ये जितने भी फेसबुक पेज वाले मेरे मित्र हैं, आप खापर आ जाओ, एग्जाम फंडा पर आ जाओ, खापर आ जाओ भाई, आप एग्जाम फंडा पर आ जाओ, EXAM एग्जाम FANDA, इस पर आ जाओ आप, FANDA एग्जाम फंडा पर आ जाओ, ठीक है। हाँ भाई इधर देखिए क्वेश्चन, देखिए देखो इसको आप कुछ नहीं क्रॉस गुना करो, इसको गुना करो, ये कितना बनेगा 6P और ये कितना बनेगा 35Q बनेगा, तो P की जगह Q का मान भाई इनको यहाँ क्रॉस करोगे नहीं आप, ये लो ऐसे ही करोगे नहीं आप, तो ये 35Q बनेगा और ये 3×6 क्या बनेगा 6P बनेगा, ठीक है। तो P की जगह Q की मान, तो P अनुपात Q आया, P अनुपात Q कितना बना आपका 35:6 बना। ऑप्शन ए में है क्या, नहीं। ऑप्शन बी में है क्या, नहीं। सी में है क्या, नहीं। ए की ऑप्शन आंसर सेकेंडों में आंसर, 2 से 3 सेकेंडों में आंसर आ गया भाई, समझ में आया। और आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। फिर आप यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ए अनुपात बी, इसको क्रॉस करो आप, ठीक है। इसके नीचे एक मान लिया आपने, ठीक है, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो ये कितना हुआ 3A और ये क्या है 1B, तो ए की जगह बी का मान, बी की जगह, तो ए अनुपात बी कितना बनेगा, ए अनुपात बी बनेगा 1:3 बनेगा, कितना बनेगा 1:3, क्या एक ही ऑप्शन में आ रहा है यही आंसर बना, और कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा भाई 1:3 खत्म, सेकेंडों में और कोई ऑप्शन में आ रहा है कि 1:3 नहीं आ रहा, चेक ही नहीं करना आगे का भाई, आपको चेक करने की आवश्यकता है कि चेक ही नहीं करना, खत्म, ठीक है। और आप तरीका चाहो तो तरीका भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। पर जब आपको ऑप्शन मालूम है फिर काहे की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया। तो ये हमने ए अनुपात बी अनुपात सी तक कर लिया, अब मैं फिर आगे बढ़ूंगा, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की बात करूं, ठीक है, 3-4 दे रखी हूं, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपके सबके, क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं, अरे हाँ ना बोलिए मेरे भाई, क्लियर है। तो देखो बेटा हम लोग पेड बैच भी चलाते हैं एप्लीकेशन पे, यदि आपको पेड बैच ज्वाइन करना है नहीं, मेरे से पूरी गणित पढ़नी है कि सर हमें आपसे पूरा बेसिक से और अच्छे लेवल तक का पढ़ना है, ठीक है, तो नया बैच स्टार्ट करने वाले कमिंग सून, अभी कुछ दिनों में ही स्टार्ट होने वाला है नया बैच, और जिसकी फीस मात्र ₹599 में आपको पूरा कंप्लीटली बैच पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मात्र ₹599 में मैथ स्पेशल बैच पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जल्दी स्टार्ट होने वाला है कमिंग बैच, ये रफ्तार बैच रहेगा, इसमें आपको स्पीड भी किस तरीके से बढ़ती है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से और अच्छे लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। ये एप्लीकेशन पे बैच होता है, ठीक है, एप्लीकेशन पे बैच मिलता है, ठीक है, और ये एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पे है। यदि कोई बैच खरीदना चाहे तो आप, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की, बैंक की, रेलवे की, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो यहां से इसके माध्यम से आप कर सकते हो यहां पर, ठीक है, एप्लीकेशन के माध्यम से यहां पर आप पूरा बैच पढ़ सकते हो, तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। डिटेल में भी बताना है, हाँ अभी डिटेल भी बता देंगे, ठीक है, आगे नहीं समझ में, तो इस तरीके से आप इनकी तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। देखो कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है, चलो मैं डिटेल बता देता हूं, ठीक है, आगे नहीं समझ में, ये इसका ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ऑप्शन आ गया नहीं समझ में, ठीक है। अब मैं ऑप्शन को मिटा रहा हूं और इसका डिटेल कर रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन लिख लिया नहीं आपने, ऑप्शन मिटा रहा हूं, ठीक है, और डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये लो, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही, कोई बात नहीं। तो देखो भाई अभी आपने यहां पर पी अनुपात क्यों निकाला, ठीक है, पी अनुपात क्यों कितना आ गया 35:6 आ गया, ठीक है, फिर आप क्यू अनुपात पी निकालो, तो इसको इधर गुना करो और इसको इधर गुना करो, तो ये कितना हुआ 7×5=35 और 7×2=14, तो यहां पर देखिए कितना हुआ
35, ये कितना होगा देखो इधर, 7 × 5 = 35 क्यू, और ये कितना बनेगा 7 × 2 = 14 आर बनेगा, क्योंकि जगह आर का मान आर की जगह, तो यहां पर क्यू अनुपात आर 7 से काटोगे तो 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, ठीक है। आगे नहीं समझ में, तो यहां पर कितना बनेगा 2 : 5 बनेगा। अब आप पी अनुपात क्यू अनुपात आर निकाल सकते हो कि नहीं, पी अनुपात क्यू कितना है 35 : 6, क्यू अनुपात आर कितना है 2 : 5, ठीक है। अब इसको इक्वल करना है, ठीक है, बराबर करना है, तो इसको 3 से गुना कर दो नहीं 6 बनेगा, तो इसको 3 से कर दो, बचा क्या 35 × 6 = 15, ये आपका आंसर, ये लो डिटेल कर लो भाई, ठीक है, डिटेल में कर बता दिया आपको, ठीक है। अगेन समझ में, आप इसको भी करना चाहो तो इसको भी डिटेल कर सकते हो, ठीक है, मैं इसके ऑप्शन मिटा देता हूं, ये लो। पर यदि पहले ऑप्शन से हो रहा है नहीं, तो सबसे पहला काम आपको ऑप्शन से करना है, ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। यदि ऑप्शन से आपका प्रश्न हो रहा है तो सबसे पहला काम आपको ऑप्शन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखिए, ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो इसके नीचे एक मान लो आप, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, तो ये क्या हुआ 3a = 1b। अब a की जगह b का मान, b की जगह 1 a का मान, तो a अनुपात b कितना बनेगा भाई 1:3 बनेगा। फिर इसी तरीके से आप b अनुपात c निकालोगे, ठीक है, ये इसको एक मान लो, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, तो यहां पर देखिए क्या बनेगा 2b = 1c, ठीक है, तो b की जगह c का मान, c की जगह b का मान, तो b अनुपात c कितना बनेगा 1:2 बनेगा। तो आपको a अनुपात b अनुपात c यदि निकालना है, तो a अनुपात b कितना है 1:3, b अनुपात c कितना है 1:2, ठीक है। अब भाई आपको यहां पर इसको बराबर करना है, क्या करना है बराबर, इसको किससे गुना 3 से, तो इसको भी 3 से, कितना बनेगा 1:3:6, ये आपका आंसर बना, क्लियर। कुछ भी कैसे भी करो आप फटाफट निकाल सकते हो मेरे भाई, ठीक है, क्लियर, आगे समझ में सभी के, क्लियर है मेरे भाई। तो यहां तक आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने जो सीखा है वो सिर्फ क्या सीखा है कि भाई आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना सीखा है। कल मैं आपको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना बताऊंगा, ठीक है, फिर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e भी, ये भी निकालना बताऊंगा। कुछ भी पूछ ले आप, ई ऐप कुछ भी पूछ ले, और सेकंडों में निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। आज तो मैं इतना ही लूंगा क्लास, ठीक है, ज्यादा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी तबीयत इतनी है, ठीक है। पर पेड बैच यदि आपको परचेज करना है और बेसिक से जीरो से यदि आपको पढ़ना है तो आप पेड बैच में जुड़ सकते हो। और ये पेड बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो ये पेड बैच मिलेगा मेरे भाई एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पर, EXAM एग्जाम FANDA एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पर, ठीक है। आप एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पर जाइए और पेड बैच के बारे में जानकारी लीजिए, और आपको कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर है, इन पे कांटेक्ट कीजिए 7906711643, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और आप यहां से पता कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, रेगुलर रहिए, तरीके से पढ़िए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, थोड़ा सा मैं ज्यादा समय नहीं ले पाया हूं, ठीक है, पर फिर सुबह 11 बजे जुड़िए आप लोग रेगुलर, सुबह 11 बजे क्लास लीजिए मेरी, ठीक है, और शाम को 6 बजे क्लास लीजिए, रेगुलर पढ़िए, तरीके से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बस एक चीज ध्यान रखना, चैनल को आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, सभी बच्चे चाहे फेसबुक पेज वाले हो, बस इतना सा आपको करना है, ठीक है मेरे भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।